अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सैयद मनानजर है। मैंने CMH लाहौर इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटिस्ट्री से BDS किया है और इम्प्लांटोलॉजी का कोर्स किया है मैंने फ्रॉम पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस डेंटिस्ट्री। और मैं मॉर्निंग में पहले टाउन में होता हूँ सिटी हॉस्पिटल में, और इवनिंग में अपनी प्रैक्टिस करता हूँ डॉक्टर मनानज 32 डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर मॉडल टाउन में। गम डिजीज प्रिवेंट करने का सबसे पहला स्टेप ये है कि आप अपने डेंटिस्ट के पास एवरी 6 मंथ जाके चेकअप करवाएं कि आपके कहीं मुंह में प्लाक, कैलकुलस या टार्टर तो नहीं एक्यूमुलेट हुआ हुआ। अगर कहीं ऐसा है तो आप वहाँ पे स्केलिंग करवाएं, क्यूरेटाज करवाएं, उसके बाद पॉलिशिंग लाजमी करवाएं। दिस इज़ हाउ यू आर गोना प्रिवेंट गम डिजीज टू हैपन। जब आपके दांतों में कीड़ा लगता है और वो जब कीड़ा आपके पल्प में आपके दांतों के दरमियान में एक पल्प होता है दांत के अंदर, अगर वहाँ तक पहुँच जाए तो वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आपके दांतों में सेंसिटिविटी होना शुरू हो जाती है। और दूसरी वजह गम्स की डिजीज़ की वजह से भी आपको सेंसिटिविटी फील होना शुरू हो जाती है। अपने दांतों का साफ़ रखने का सबसे पहला तरीका ये है कि आप सुबह और शाम को ब्रश करें, 2 हफ्ते के लिए माउथ वॉश यूज़ करें, और उसके अलावा फ्लॉसिंग करें। फ्लॉसिंग इज़ सो इम्पॉर्टेंट, आपको रियलाइज़ भी नहीं होता कि आपके दांतों में इन्फेक्शन होना शुरू हो गया है और आपके मसूड़ों में से खून निकलना शुरू हो गया और बुरी स्मेल आती है। वो सब इसकी वजह से होती है कि आपके दांतों में कहीं ना कहीं खाना फंस जाता है, और वो जब तक आप डेंटिस्ट के पास नहीं जाएंगे और आप फ्लॉसिंग नहीं करेंगे तब तक वो नहीं निकलेगा। तो फ्लॉसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ रिकमेंडेड कि आप एवरी 6 मंथ्स जाके अपने डेंटिस्ट को चेक करवाएं कि आपके मुंह में कहीं कीड़ा तो नहीं लग गया दांतों में, और कहीं प्लाक तो नहीं एक्यूमुलेट हो गया या कैलकुलस तो एक्यूमुलेट नहीं हो गया। जो अक्सर ऐसा होता है कि आपके दांतों में बीमारियां शुरू हो चुकी होती हैं लेकिन हमें पता ही नहीं लगता, क्यों? क्योंकि हमें उस वक्त कोई पेन नहीं हो रही थी। हमें पता तब लगता है जब हमें पेन होना शुरू होती है, और जब हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो उस वक्त बहुत टाइम आगे निकल चुका होता है। हमें हमारे डेंटिस्ट के पास सिर्फ 2 या 3 ऑप्शन आ जाती हैं कि या तो आपका वो दांत निकालें, या आपका रूट कनाल करें, या फिर आपकी जो है डीप स्केलिंग करें। तो बेहतर है कि आप एवरी 6 मंथ्स अपने डेंटिस्ट को चेक करवाओ ताकि आपका जो इररिवर्सिबल पोजीशन आने से पहले पहले आपके दांत बच जाए। मरहम के थ्रू मैं आप लोगों को एक मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को प्लीज़ डराया मत करें ये बोल के कि डॉक्टर आपको टीका लगा देंगे या आपको डेंटिस्ट के पास ले जाओगे, ब्रश नहीं करोगे डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा वो टीका लगा देगा। बच्चों को आप ये समझाएं कि ये उनकी लाइफ का पार्ट है कि डेंटिस्ट के पास जाएं और चेकअप करवाना। और अगर जब हम बच्चों को डरा देते हैं कि आप डेंटिस्ट के पास जाओगे और डेंटिस्ट आपको टीका लगाएगा, आपको पेन होगी तो जल्दी से ब्रश कर लो, आप ऐसी बातें कहकर जब बच्चों को डराते हैं तो वो जब हमारे पास आता है तो वो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा होता और वो रो रहा होता है, और फिर उसके बाद पेरेंट्स भी एम्बैरस हो रहे होते हैं और हमें भी तंगी हो रही होती है कि बच्चे को कैसे समझाएं हम। तो क्या बेसिकली 3 पर्पज़ होता है। नंबर 1, फंक्शनैलिटी जिसके थ्रू आप खाना खाते हैं। एस्थेटिक रीजंस जो आपको नज़र आते हैं, जो लोग आपके दांतों को देखते हैं, अगर आपका कोई दांत नहीं होगा तो वो फिर थोड़ा सा अनस्थैटिक लगता है, अच्छा नहीं लगता। अगर वहाँ दांत लगाने तो उसके लिए भी इम्प्लांट्स की जरूरत होती है। नंबर 3, फोनेटिक्स, जब हम बोलते हैं तो उसमें आपके दांत एक बहुत मेजर रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो इन 3 वजूहात की वजह से आपके दांतों की बहुत इम्पोर्टेंस है, और जब हमारे दांत मौजूद नहीं होते तो उसको रिप्लेस करने के लिए जो सबसे एडवांस प्रोसीजर जो इस वक्त यूज़ किया जा रहा है वो है डेंटल इम्प्लांट्स। और देखने में थोड़ा सा आपको जब कोई आपको बताता है कि आपके मुंह के हड्डी के अंदर इम्प्लांट लगेगा तो थोड़ा सा डर ज़रूर लगता है पेशेंट्स को कि इसकी लुक भी थोड़ी सी स्क्रू जैसी है तो आपके मुंह के अंदर कैसे स्क्रू लगाएंगे। बेसिकली ये एनेस्थीजिया में हम प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं और पेशेंट को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और इट हैज़ अ वेरी गुड सक्सेसफुल रेट। डेंटल इम्प्लांट्स का प्रोसीजर बेसिकली ये है कि सबसे पहले हम आपके कुछ रिकॉर्ड्स लेते हैं, आपकी हिस्ट्री लेते हैं, आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद हम आपके एक्सरेज करवाते हैं। जब हम देखते हैं कि देयर इज़ अ प्रीटी गुड अमाउंट ऑफ बोन, अगर आपकी बोन ठीक है वहाँ पे, आपकी ये तो नहीं कि थिन बोन हो या कोई और किस्म की प्रॉब्लम, हम अपने कुछ पैरामीटर्स चेक करते हैं। अगर वो सब चीज़ों से प्रूव हो जाए और कोई मेडिकल प्रॉब्लम ना हो तो फिर हम इम्प्लांट्स शुरू करते हैं। इम्प्लांट्स में हम ये करते हैं कि हम आपके पहले जॉ में वहाँ पे एनेस्थीजिया लगाते हैं ताकि पेशेंट को पेन ना हो और बिल्कुल पेनलेस हो जाता है पेशेंट सिर्फ एक एनेस्थीजिया लगाने के बाद। उसके बाद फिर हम वहाँ पे आपके इम्प्लांट प्लेस करते हैं। 2 किस्म के इम्प्लांट्स होते हैं। नंबर 1, इमेजर इम्प्लांट्स, जिसमें हम आपके दांत निकाला और उसी वक्त ही वहाँ पे इम्प्लांट लगा दिया।
और कुछ केसेस में ये होता है कि हम आपके दांत निकालने के बाद 3 मंथ्स का वेट करते हैं, मिनिमम 3 मंथ्स का वेट करते हैं, और इसके बाद हम आपके इम्प्लांट प्लेस करते हैं, फिर हम कुछ महीनों का इंतज़ार करते हैं, उसके बाद फिर आपके दांत के ऊपर लोडिंग कर देते हैं। लोडिंग हम क्राउन से करते हैं जिसके बाद आपके दांत बिल्कुल नॉर्मल लगना शुरू हो जाते हैं। मरहम बेसिकली एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू पेशेंट डेंटिस्ट से कॉन्टैक्ट कर सकता है, अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है, बिकॉज अब ये ज़ाहिर बात है अब एडवांस हो गई है चीज़ें, इंटरनेट की वजह से आपके लिए आसानियाँ हो गई हैं, तो मरहम ने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया हुआ है। आप मेरे साथ कभी भी अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो मरहम के थ्रू आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।